नमस्कार दोस्तों, प्यार का पहला नाम राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आने वाला है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी का एक और भी बेहद अलग तरीका से टोस्ट देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को कि युग के खून का इल्ज़ाम कौन लेगा अपने सर पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि युग किस तरीका से लगातार कहानी में टोस्ट बदलता हुआ नज़र आ रहा है और युग के टोस्ट बदलने के पीछे भी कई और भी कारण देखने को मिल रहे हैं। बात की जाए इस समय तो मोहन का मानना यह है कि राधा को इस चीज़ से बरी कर देना चाहिए। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी में एक और भी बेहतरीन टोस्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि राधा इस समय अफसोस करती हुई नज़र आ रही है और अफसोस भी थोड़ा घना नहीं बल्कि घना ही बड़ा अफसोस करती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि राधा बोलती हुई नज़र आ रही है मोहन के लिए कि जो चीज़ तुमने की ही नहीं है उनका इल्ज़ाम तुम कैसे ले सकते हो अपने सर पर। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो और भी घना दिलचस्प होता हुआ ही नज़र आएगा। जी हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी पूरी तरीका से एक और भी नए माहौल में बदलती हुई नज़र आएगी। दोस्तों कहानी का ये और भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर साफ साफ मोहन इस चीज़ को बोलता नज़र आएगा कि राधा तुम इस चीज़ में बिल्कुल इन्वॉल्व मत हो, मैं अपनी तरीका से हैंडल कर लूँगा और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कैसे हैंडल करनी है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी का एक नहीं बल्कि समय कई और भी ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, क्योंकि कई नहीं बल्कि कई और भी ट्विस्ट आप लोगों के बीच में देखने को मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोग जानते ही होंगे कि दोस्तों कि इस समय मोहन साफ साफ बोलता हुआ नज़र आएगा कि देखा जाएगा जो होता है वो देखा जाएगा। आप लोग जानते ही हैं इस समय कहानी पूरी तरीके से माहौल को जनरेट कर रही है।